हेलो नाजरीन, क्या हाल है आपके? बस अभी रात हो गई है यहाँ होबार्ट में और मैं सोच रही हूँ कि आज खाना बना लूँ ताकि कल मुझे कम काम करना पड़े, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम है मेरा और वो इस तरह फिनिश नहीं हो पाएगा क्योंकि कुकिंग जो है ना वो बहुत टाइम ले लेती है। तो चले अब इस खिड़की को मैं बंद कर रही हूँ, और वो इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाहर से लोग देखें मुझे यहाँ पर, तो इसलिए अब मैं लाइट ऑन कर आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बट कढ़ाई जैसी कढ़ाई, और जो है ना काफ़ी दिनों से बहुत क्रेविंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करूं और आप सबको जो है अपनी रेसिपी शेयर करूं। तो आज के मसाले हमारे ये हैं और इसको मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी। अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक का हाफ हाफ टी स्पून डाला है, और क्या कहते हैं अमूमन आप साबित जो है ना जिंजर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास यही पड़ा हुआ था। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून से थोड़ी सी इसमें मैं रेड चिली डाल रही हूँ, और इसमें हाफ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। अब इसमें जो है मैं अराउंड 1 ग्लास के करीब जो है ना 1 से 1.5 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर इसको कवर कर दूंगी। ये देखें जी, अब इसको मैं कवर कर रही हूँ और इसको कवर तब तक करूंगी जब तक इसका जो है पानी थोड़ा सूख जाएगा। अमूमन जो है लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं, लेकिन मेरे पास प्रेशर कुकर अभी नहीं है तो इसलिए इसमें मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। तो जब तक ये बन रहा है तो मैं आप अपने कुछ बर्तन धो लेती हूँ। तो जब तक ये कढ़ाई बन रही थी तो मैंने तब तक जो है ना 1 टीस्पून जीरा लिया है और 1 टीस्पून के करीब ना ये साबित जो कोरिएंडर होता है वो लिया है, कोरिएंडर सीड्स इसको कहते हैं, और इसको मैंने हाथ से थोड़ा मसल दिया था। तो अब ये जो है ना इसको मैंने रख दूंगी मैं साइड पे, और तब तक ये बन रही है, ये हाई फ्लेम पे है। अब मैं यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास ना ये जो चूल्हे हैं ना ये इलेक्ट्रिक हैं, और गैस के ओवन में तो बने तो ओ माय गॉड इतनी अच्छी जो है ना कढ़ाई बनती है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें भी बहुत अच्छी बनेगी। आई एम प्रिटी श्योर के बहुत मज़ा आने वाला है आपको अगर आप ये कढ़ाई बनाओगे तो। तो बस ये अब जो है हमारा जो है बन रहा है कढ़ाई, और अभी तक हम लोगों ने इसको कवर करके रखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये प्रेशर कुकर में नहीं बना। प्रेशर कुकर में बनता तो 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन होपफुली जैसे ही होगा गल के तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो अब बस इसको मैं उठा रही हूँ, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पता। अब इसके टमाटर जो है ना उसको हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे करना है क्रश। मैंने जो यूज़ किए टमाटर छिलके के बगैर किए क्योंकि छिलके वैसे भी ठीक नहीं रहते, और ये जो है ना बड़ी स्मूथ पेस्ट है। कढ़ाई का सबसे ज़्यादा जो मतलब लाइक बहुत मुझे जो अफेक्ट करता है ना वो ये है कि उसमें ग्रेवी नहीं थी ज़्यादा होती, तो ग्रेवी होना जो है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा टमाटर का यूज़ ज़्यादा किया है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च आप छोटी अगर हैं तो 2 से 3 डालें, वरना मेरे पास थोड़ी बड़ी होती हैं यहाँ पर हरी मिर्चें, तो मैंने एक हरी मिर्च की आधा किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब आप देख रहे होंगे ये बहुत मज़े की जो है कढ़ाई बन रही है हमारी यहाँ पर, बट कढ़ाई जैसी। बट कढ़ाई में ना क्या होता है कि वो बटर से बनाते हैं मक्खन से ना अपनी कढ़ाई, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मक्खन यूज़ नहीं कर सकती तो मैं थोड़ा सा मक्खन लूँगी, और मैं हाफ कप जो है ना वो अराउंड घी लूँगी। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देसी घी पे बनाऊंगी मैं। ये इतना लिया मैंने, आपको अंदाज़ा होगा मैं बहुत ज़्यादा घी या ऑयल नहीं लेना चाहती क्योंकि वो सेहत के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा घी में बनाना है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। घी का अच्छा इस्तेमाल जितना होगा उतना अच्छा जो है ना आपका कढ़ाई बनेगी। ये मैंने घी डाल दिया है, और ये मैंने भर के ना बटर लिया था 1 टीस्पून भर के, आप देख सकते हैं इसका साइज़ इतना है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया। इसको अब मैं कैमरा बंद करके जो है ना आपको दिखाऊंगी। बड़े मज़े की खुशबू आने लगी है और मुझे लग रहा है कि मैं वाकई बट कढ़ाई की जो है ना कढ़ाई खाने लगी है, ताकि अभी आधी रेसिपी कंप्लीट हुई है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको अच्छे से मैं भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब इसको मैंने अच्छे से भूना है लेकिन अभी भी स्टिल गुंजाइश है तो थोड़ा सा और भूनूंगी। आप क्या करोगे, आप लोगों ने ये साबित लाल जो गोल वाली मिर्च होती है वो डाल सकते हो, 3 से 4 अदर,
या ये मैंने 1 टीस्पून के करीब ना कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये मैं यहाँ पर लगती हूँ। अब ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी 1 टीस्पून डाली थी क्योंकि मेरे पास साबुत गोल्ड मिर्च नहीं थी। मैंने अभी अभी जो है इसमें पेपरिका 1/2 टीस्पून डाला है क्योंकि मेरी जो यहाँ मिर्च है ना उसका इतना कलर नहीं आता, तो इस वजह से जो है ना वो मैंने डाली है। इस स्टेप तक लिटरली बिल्कुल बट कढ़ाई वाली जो है ना मुझे स्मेल आ रही है। बस अब इसमें मैं जो है मैंने आपको बताया था ये मैंने ज़ीरा और कोरिएंडर जो सीड्स थे वो मैंने लिए थे 1/1 टीस्पून, और अब वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, भूनूँगी, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। अब सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हुई हैं और अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि मैंने इसको कवर करना है और थोड़ी देर इसको पकने देना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको। अब बस ये जब तक पक रही है इसको मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये जो है सब कुछ मिक्स अच्छे से हो जाए और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। मैंने फ्लेम अपना ना हाई पे ही रखा है अभी, आपने बस ध्यान रखना है अपनी जब आप कढ़ाई बनाओ कि नीचे लग ना जाए। कढ़ाई में जो सबसे ज़्यादा बट कढ़ाई की जो बात है ना वो उनकी भुनाई बहुत अच्छी होती है, तो हमने भून भून के जो है ना इसका अच्छा जो है ना कीमा निकालना है। तो बस अभी ये मैंने 3 मिनट तक इसको मैं रख रही हूँ इस तरह कवर में, उसके बाद फिर इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। मेरी एक बहुत आदत है कि मैं हर बोटी को इस तरह एक दफ़ा कर देती हूँ ताकि मुझे लगता है कि मसाला उसके अंदर ना जज्ब हो जाता है। कुकिंग से जितनी मेरी जान भागती थी ना मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अब जो है मुझे इतना मज़ा आता है कुक करते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसकी सबसे बेस्ट बात ये भी है कि मेरे पास एक इंडिपेंडेंट किचन भी है, ये बहुत मायने रखता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका देख रही हूँ कि ऑयल भी ना ऊपर आता जा रहा है, जो घी है हमारा अच्छे से जी ऐसे 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 है। एंड पे आप जो है उसको बटर और डाल सकते हो, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना लेना है। ये बहुत मज़े का बन रहा है, स्मेल इसकी बहुत अच्छी है, यहाँ तक तो इसकी स्मेल वाकई बहुत अच्छी है। इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, बस देख लें बोटी ना टूटे, प्यार प्यार से जो है ना आपने बुनाई भी करनी है इसकी। मज़ा आ रहा है मुझे बहुत बना के। इस स्टेज पे बिल्कुल मैं बार बार कह रही हूँ आपको बट कढ़ाई जैसी जो है ना बिल्कुल स्मेल आ रही है, और वाकई ये जो है ना इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अब मैंने इसमें फ्लेम स्लो कर दिया और मैं इसमें डालूँगी ये 2 से 3 टेबलस्पून आप दही डाल सकते हो। मैंने लगभग जो है इसमें 2 टेबलस्पून डाले हैं। दही को मैं थोड़ा वैसे कम ही इस्तेमाल करती हूँ। अब ये इसका जो है ना पोजीशन ये है, अब इसको अच्छे से हम कुक करेंगे और हाई फ्लेम अप कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, इसको हम लोग अभी दम भी देंगे लेकिन इसको अच्छे से भूलें, ये थोड़ा सा ना नीचे लगेगा भी तो ये और भी जो है ना इसका मतलब है कि आपकी जो कढ़ाई है वो बहुत यमी बन रही है, तो उसको चिपकने दें थोड़ा सा और ऐसे ऐसे बार बार उसको स्पून मारते रहें ताकि आपकी जो है ना कढ़ाई वो लगे ना। जब ये थोड़ा लगने लगे ना तो बस इसकी हल्की आंच कर दें और फिर इसको जो है ना लो फ्लेम पे, बहुत लो नहीं मीडियम लो पे आपने रख देना है इसको। अभी इसको मैंने जो है ना कवर कर दिया था तो इसको थोड़ी देर मैं 2 से 3 मिनट्स तक इसको इसी तरह रखूँगी लो मीडियम लो आंच पे, और फिर मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँची है। इसको मैंने टेस्ट किया, बहुत यमी बना है और आई होप कि इसका फाइनल लुक भी बहुत अच्छा होगा। यूजुअली इसमें ना सादा जो होता है ना क्या कहते हैं जिंजर डलता है, जो साबुत अदरक होता है कटा बना, लेकिन मेरे पास था नहीं तो इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह बनाया है। ठीक है, तो अगर आपके पास हो तो आप उसी तरह बनाना। ठीक है, मैं इसको कूट के ब्लैक पेपर को 1 टीस्पून के करीब एंड पे डालूंगी, लेकिन अभी ये जब तक बन रहा है आपको मैं सिचुएशन इसकी बल्कि दिखा भी देती हूँ कहाँ तक पहुँची है। बहुत मज़े की स्मेल आ रही है, बहुत यमी बन रहा है, और अगर आप ये रेसिपी फॉलो करोगे ना एग्जैक्ट तो लिटरली टेस्ट बिल्कुल वैसे आपको लगेगा आप बट कढ़ाई बैठे हो लिटरली। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो मेरे पास साबुत लाल मिर्च नहीं थी तो इसलिए वो मैं डाली नहीं, मैंने उसकी जगह चिली फ्लेक्स सब्स्टिट्यूट कर दिए, और दूसरी बात ये कि जिंजर कुटा हुआ जो है वो मैंने डाला है। आप साबुत भी डाल सकते हो, आपको जैसे प्रेफरेंस हो आपकी। एंड पे जब गार्निश करने लगोगे ना आप तो साबुत डालना, अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात ही खाली धनिया या गर्म मसाले के साथ ही आप जो है ना उसको कर दें। उफ बहुत कमाल भाई, बहुत कमाल। बस अब जो है ना लास्ट स्टेज पे जो हम लोगों ने पेपर डालना है वो करना है, बस थोड़ा सा और इसको मुझे लगता है कसर है।
दो मिनट और इसको मैं कवर करके रखूंगी, उसके बाद फिर काली मिर्च डाल के फिर उसको 2 से 3 मिनट तक दम टाइप ही दूंगी और उसके बाद फिर आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। उफ अल्लाह जी, इतनी मज़े की स्मेल है। अब ये हम लोग क्रश जो है ना ब्लैक पेपर वो डालेंगे, इसको मैं अच्छे से जो है ना अभी मिक्स करूँगी और फिर इसको दम दूंगी 2 से 3 मिनट का। चलिए जी, बस अब इसको उठा रही हूँ, ये देखें। अब इसका लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि गरम मसाला डालना है। राउंड मैंने 1/2 टीस्पून डाला है और इसको मैं कोरिएंडर इसके ऊपर डालूंगी। तो जी हमारी बट कढ़ाई रेडी है जी। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला, कोरिएंडर और क्या कहते हैं, इसके ऊपर आप जो है ना डाल सकते हो जूलियन कट जो है ना जिंजर, और मेरे पास जिंजर था नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसलिए मैं उसके बगैर ही इसको सर्व करना पड़ेगा। और अगर तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोरे हो तो आप इसके ऊपर बटर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हो।